ये तो हमारी वो है थेरेपी चिकन, ये हाथ से रोटी खाती है सब कुछ। इसको बिठा दो मेरे कंधे में। ये ज्योति की भी हेल्प करती है टेबल मेंटेन करने में। क्या हो गया? ये बैठ जाएगी, कंफर्ट होगी अपने हिसाब से। कर ले, एडजस्ट कर ले। चूचू तो इतनी देर में आंख निकाल चुका होता मेरी। आज रेस्क्यूज हैं? हाँ जी सर, तीन है। एक छोटा बुल है मतलब बछड़ा, एक गाय है और एक डॉग है। चाचा कहाँ जा रहे हो? चाचा बॉब द बिल्डर रेस्क्यू करने। ये पीला टोपा क्या पहन रखा है? ये सेफ्टी। सेफ्टी? आप तो बॉब द बिल्डर लग रहे हो बिल्कुल, क्योंकि हम हमारी खोपड़ियाँ हिल जाती है धूप में। ये सेफ्टी। हुआ क्या इसको? कुत्तों से लड़ाई करी थी ना। अच्छा। उस वजह से फिर उन्होंने काट दिया इसका कान पूरा, ही वो कर दिया। फिर जब डॉक्टर्स ने ठीक करा फिर उसमें डेड हो गया था बिल्कुल उसका कान, तो फिर उसमें उन्होंने मतलब उसको इतना सा काट दिया यहाँ से। बस बस बहुत तेरे को लेने तो आए हैं। आप इसको खाना वाना खिलाते हो डेली? हाँ जी हाँ जी। इधर 4-5 साल पहले आया था ना, कोई छोड़ गया था इसको। अच्छा। फिर इधर ही हमारे पास होता है। तो पता नहीं कोई गायब हुई या कोई गाड़ी गुड़ी वाले ने किसी ने मारा होगा, उससे पाँव टूट गया इसका। इलाज किसी लोकल ने भी यहाँ पे, जैसे लोकल हॉस्पिटल वाले होते हैं ना, उन्होंने भी करा था और वो हुआ नहीं था ठीक। ठीक है, इसको एक साइड दबा लो झाड़ियों में ना। खेत आगे भावे, भागना पड़ेगा। रोड पे ना जाए। यहाँ इसको झाड़ियों में घुसना। तो बैठ गया। ये जो बछड़ा बैठा हुआ है ना, ये वाला जिसे हमें रेस्क्यू करना है। दीवार के साथ बिठा ले, दीवार के साथ। पकड़ लिया लड़के ने। पकड़ा भाई। ओए से पकड़ लिया। थैंक यू दोस्त। चाचा मारेंगे ती चारों में। चाचा 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 दुनिया रह गई आपकी। बस रुक जा, बस और लग जाएगी यार तेरे। आंटी पता किसका है? इस गाय का है। अच्छा, ये सफेद वाली गाय का ये? हाँ सफेद वाली गाय। कल ऐसे बैठा था ना, माँ ऊपर आके खड़ी हो गई थी तो बस बैठा दूध पी रहा। इसकी उम्र कितनी होगी? 6 महीने का बनी है। पी रहा है पानी? पी रहा है। ठीक करके इसको वापस यहीं छोड़ देंगे। हाँ कोई बात नहीं, इसके जो कीड़े खत्म हो जाए फिर हो जाए कहीं इधर ही वापस छोड़ दो। वापस अगर जगह होती तो हम साथ में इसकी माँ को भी ले आते और फिर दोनों को इकट्ठे रिलीज करते, पर ये अच्छी बात है कि भाई उसी एरिया में ही रहती है इसकी माँ और वहीं पे हमने दो और बैल भी रेस्क्यू करके छोड़े हैं, तो हमें इसके गैंग का पता है। तो जैसे ये ठीक हो जाता है हम इसको सही सलामत इसके परिवार से मिलवा देंगे। सामने आ रही है। बाबे कैसे पकड़ेंगे? आ जाएगी आसानी से। देखते भाई। चले वहाँ। इस गाय का ना पूरा पेट लटका हुआ है नीचे, अब ये हर्निया है, प्रेग्नेंट है, मुझे पता लग गया। बस 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 चले, छोड़ दो। लगी तो नहीं ये समस्या? कितने दिनों से इसको? 10-12 महीने। जिसने देखा फिर ये काम की नहीं रही है। हाँ जी। तो कोई इसको छोड़ गया है। बस बस चाचा बस। पूरी पैक हो गई गाड़ी, पूरी पैक हो गई। सर क्या लग रहा है इस गाय का? देख के वैसे लगा, ऐसे नहीं बता सकता। प्रेग्नेंट है? पता नहीं, ये कह रहे कि चेक करना पड़ेगा कल। ओके। उस गाय को लाए तो हम हर्निया की वजह से ही हैं, लेकिन हमें साथ साथ में ये भी लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, जिसकी वजह से उसका वेट जो है साइड में वो बहुत ज़्यादा झूल गया है ना शरीर, और वो वेट ले नहीं पा रही है, पीछे के पैर उसके पेन में भी है, चल भी नहीं पा रही है ठीक से। हमने चेक भी किया था प्रेगनेंसी चेक, लेकिन प्रॉपर पिक्चर हमें मिली नहीं। अभी हमने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया है पालमपुर में, और अभी जल्दी ही उसकी डेट्स हमें मिल जाएंगी। अब इन मैडम को ट्यूमर है, हर्निया है, प्रेगनेंसी है, ये सब कुछ पालमपुर जाके ही पता लगेगा। फिलहाल ये है कि भाई बाहर से बेहतर यहाँ पे है, खाने पीने को इसके पास है और इलाज की संभावना है, आगे राम जी के हाथ में है।
हमारे पास इस समय इतने ज्यादा एनिमल्स हो रखे हैं ना, ज्योति के घर में कुत्ते बिल्लियां हैं, नेहा डॉग्स फॉस्टर कर रही है, मीडिया टीम तक पपीज फॉस्टर कर रही है, और इस गाय के लिए हमारे पास जगह नहीं थी। तो ये जो हमारा नया अस्पताल बन रहा है उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन काउ शेड में इसको बांध रखा है, दिन में बाहर छोड़ देते हैं। आज के ब्लॉग के एंड में मैं आपको एक क्विक टूर भी इस जगह का दूंगा। बेल बॉटम की हम एम्पुटेशन अब नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने डॉक्टर हिमांशु से डिस्कस किया था इसके बारे में, हमने उनसे वीडियोस मंगाई थी उसके दौड़ने भागने की, और वो बहुत सही है, अभी वोन भी लगभग पूरा हील हो चुका है, दौड़ रहा है, तो क्यों फिर एम्प्यूट कर। धनिया वापस क्यों आ गई जी आज? बच्चे को ट्रोमा से निकालने भेजा था, बच्चा वापस ट्रोमा में आया है। हाँ मैंने अभी देखी ना केज में, मायूस सी हुई बढ़िया बहुत ज्यादा। धनिया बच्चू मेरा हमने बहुत अच्छे से उनको समझाया इन डिटेल कि भाई धनिया या तो हाइपर एनर्जेटिक है या तो डर जाती है। एक रेस्क्यूड डॉग है, 2 साल यहीं पली बड़ी है, है ना, घर के माहौल की आदत नहीं है, इतने नए लोगों की आदत नहीं है, थोड़ा समय देना होगा। वो खुद आए सब कुछ, हाँ नहीं मैम हम सब कर लेंगे, नहीं मैम हम महीना क्या 6 महीना देने को तैयार है, नहीं मैम हम रेडी हैं, हम कम्प्लीटली रेडी हैं। घर पहुंचते ही मतलब वो 24 घंटे भी रखने को तैयार नहीं थे। इस पे वो अडॉप्शन फेलियर का एक टैग लग गया, ठीक है, इस पे दूसरा, अभी ये 2-4 दिन तो इसको यहाँ पर वो नॉर्मल होने में लगेंगे कि भाई इसके साथ हुआ क्या, इसको तो समझ ही नहीं आया ना इसके साथ क्या हुआ। सब चीज़ें एक्सप्लेन की थी, पता नहीं वो 24 आवर्स में उनको पता नहीं क्या हुआ, बेचारी डरी हुई बैठी हुई थी, वो घबरा गया। आई मीन क्या हो सकता है। मेरे को ना तुमसे 2 चीज़ें पूछनी है, पर मेरे को पहले एक सी मुझे मीरा दिख रही है, मैं इनको हाय सॉरी नहीं अच्छा sure. आप मुझे बताओ, आप यहाँ पे अपने बेटे के साथ आए हो ना? Yes. आपका क्या रीजन था उसको साथ लाने का? He was more passionate to come here. अच्छा yeah, मुझे very... तो स्टोरी उल्टी बता दी, मुझे लगा आप इसको साथ इसलिए लेके आए होगी भाई ये थोड़ा एनिमल्स के साथ। ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैशनेट है एनिमल्स को लेके। तो ये जो आपका पशु प्रेम है ये सिर्फ बिल्ली कुत्ते तक सीमित है या थोड़ा आगे सारे जानवर पसंद है? सब जानवर इसे पसंद है, मतलब ऐसा नहीं कि खाने में पसंद है। कोई नहीं आप इंग्लिश में बता दो। सो आई लाइक ऑल एनिमल्स, although I do like to eat non-veg food, I'm trying to eat less. Nice. Good, yeah, good. I mean, as long as you realize or कम करने की कोशिश कर रहे हो यही है, बाकी तो टाइम लगता है। क्या कर लिया, क्या हुआ? तुम्हारे मन की बात सुन रही है। मैं उसको वैसे देख रही थी तो मेरे को यही ख्याल आ रहा था कि कब पॉटी कर देगी करके। कर दी पॉटी इसने? कर दी, गिर गई होगी पता नहीं। ये जो राजकुमार को चाट वाला मुर्गी जाने की हुआ है ना पालमपुर, राजकुमार एकांत गया था, जाना है? नहीं नहीं शाहपुर गए थे, पालमपुर जाना है। अभी कोई चेंज नहीं है सिचुएशन में, राजकुमार की आंख से क्लियर डिस्चार्ज आ रहा है, एकांत की आंख से भी पस है। तो एकांत की तो शायद दोबारा सर्जरी होगी, दिखवाना। डॉक्टर हिमांशु साथ जाएंगे, अपने सामने एकदम करा के लाएंगे। ये क्या चाट रहा है, सिरप गिर गया? इसने गिरा दिया सर। आप चले जाओ ना, डॉक्टर सुन लिया आपने नॉनवेज वाली बात। आहट पे आ जाओ, ट्रांसफर हो जाओ। वो नहीं उतरेगी खुद से सर? उतरेगी उतरेगी। लैंड करती थी को मारने लग गए उसको। बबलू चूचू वो बन गया है हिटलर और ये वो है नाजी, दो मुर्गे जुड़ गए हैं सर पहले से। थोड़ा सा जो मतलब वो नहीं अटैक करता दोनों मुर्गियों, मैंने नहीं देखा, यही है अमरूद है थोड़ा सा नेक में सूजन आई हुई है ना अभी राधा के। तो जो उसकी मिल्क प्रोडक्शन कम हुई है उससे कुछ रिलेशन है? हो गई है, मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो गई है। थायराइड का चक्कर है क्या? नहीं थायराइड की वजह से नहीं है। अच्छा कुछ और है, हो सकता है शायद कि बी का बाइट भी हो। क्या बाइट? बी बाइट हो सकता है, बी बाइट मधुमक्खी ने काटा होगा। आहट के सींग काटे होंगे किसी ने, देखो काटे हुए ना गंदी तरह से। अभी मैं एक वो टीवी शो देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, स्वीट टूथ,
देखना बनता है वो, मतलब बहुत ही अच्छा है, बड़ी अच्छी सोशल कमेंट्री है, उसमें एक ऐसे सींग कटता तो मुझे ध्यान आया उसका। मैंने यहाँ देखा गायों के सींग होते ही नहीं है। तो काट बचपन में जला देते हैं ना वो, ले जाते हैं पॉली क्लिनिक और ऐसे वो जलवा देते हैं लोग, रुकते ही नहीं है वो कभी। नहीं वो जला दिया ना जो ऐसे जो उसका शुरू वाला हिस्सा है वहीं पर वैसे, अब तो चलो छोड़ो ऐसे गंदा, फिर लोगों का मन खराब होगा। अभी यहाँ एक और बैल भी तो है, ये इसका भी तो सींग काट रखा है, इसका तो तोड़ा भी हो सकता है। नहीं यार देखो तो सही कितना, ये देखो तो सही कैसे करके हुआ है, पता नहीं। और इसका कान देखो क्यों कटा हुआ है, टैग टैग मतलब टैग भी मतलब फाड़ के उतारा है। हाँ। तो बहुत तुम लोगों ने इकट्ठे कर लिए यार यहाँ पे, बहुत ज्यादा शिफ्ट करेंगे सर, जल्दी शिफ्ट करेंगे। तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम लोग शिफ्ट हो ना, क्लिनिक जाएगा तो इनके लिए जगह बनेगी। चार्ली तेरे को शिफ्ट करने के तू नहीं जा रहा है? साहिल कैसे चल रहा है बम्बिनो का? क्या चल रहा है? ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है, इसके तो स्किन वगैरह अच्छी होगी ना पहले से? हाँ स्किन अच्छी होगी, प्लस आई डिस्चार्ज आ रहा था। अच्छा। वो भी अभी काफी कम है। तो हम इसके ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह? हाँ आई ड्रॉप चल रही है इसकी ना साथ में। रात दीदी हम इसकी मालिश क्यों कर रहे हैं नारियल के तेल से? भाई देखो स्किन की प्रॉब्लम है तो वो कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं, उससे क्या होता है बाल आ जाएंगे। नवीन भाई आप सिर्फ पैरों पे कर रहे हो क्या, पूरे शरीर पे करोगे मालिश? जहाँ जहाँ बाल नहीं है ना वहीं। बहुत अच्छी रिकवरी हुई है राधा इसकी, बड़ी है यार अच्छी। हाँ रिकवरी तो अच्छी है, वेरी वेरी हैप्पी। दीदी चिपक जाएगा इससे? हाँ धीरे धीरे भी हो ही रहा है, ये देखो ये यहाँ तक। दीदी ऐसा कोई केमिकल नहीं आता हम इसके अंदर डालें चिपक जाए फेविक्विक की तरह? चुप रहो, तुम ऐसे सवाल क्यों करते हो विक्की, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? अब जैसे विक्की के राधा से मासूम सवाल है, मुझे यकीन है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो लोगों के भी आपसे ऐसे ही सवाल होते होंगे, खासकर अगर आप उस तरह के वेजिटेरियन हैं जो बाकियों को भी अवेयर करते हैं। भाई सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि अगर हम चिकन नहीं खाएंगे तो हर जगह मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे, तो देखिए आप उनको बता सकते हैं भाई चिकन जो है कोई जंगली जानवर नहीं है, डोमेस्टिकेटेड है वो, और अगर हम खाएंगे नहीं तो उसको प्रोड्यूस ही नहीं किया जाएगा। फिर दूसरा लोगों को होता है कि भाई अगर सब वेजिटेरियन हो जाएंगे तो सब्जियां ख़त्म हो जाएंगी। देखिए जानवरों को खिलाने में अनाज की ज़्यादा खपत होती है, तो अगर हम अनाज डायरेक्टली खाते हैं तो अनाज की खपत कम ही होगी। फिर कई लोग कहते हैं कि भाई खेती में भी तो कीड़े मकोड़े मरते हैं, तो दर्द तो वहाँ भी पहुँच ही रहा है, और मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करता हूँ कि हाँ हम दर्द पहुँचाते हैं ना चाहते हुए भी, और इसलिए खासकर जहाँ पे हमारा बस चलता है वहाँ पे तो हम कोशिश करें ना कि हम दर्द कम से कम पहुँचाएँ। तो भाई हम जीना नहीं छोड़ सकते, हम खाना नहीं छोड़ सकते, तो हम चिकन खाना तो छोड़ ही सकते हैं या एटलीस्ट कम तो कर ही सकते हैं। और अब जो हमारा नया अस्पताल और काउशेड बन रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है उसका एक अपडेटेड टूर मैं आपको देता हूँ। दूर ब्राउन गेट है वो तो एंट्रेंस है ना, ये सड़क आ रही है और ये हमने बांस काट के रख लिए हैं क्योंकि ये जो ग्रेजिंग एरिया है इसकी टेम्परेरी जो हम फेंसिंग है बांस से ही करेंगे, जब हमें लगेगा वो सही काम हो गया फिर हम उसको पक्का करेंगे। खुलियाँ वगैरह हमारी बन गई हैं प्रॉपर, इन हर एक में ड्रेनेज होल्स हैं ताकि हम सफाई सही से कर पाएँ। उधर जो है जो हमारे क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं ना उनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, तो कोई भी बछड़ा आता है या प्रेग्नेंट गाय आती है एग्रेसिव बैल, उनके लिए वो कमरे रहेंगे। इस गाय से तो मैंने आपको आज पहले मिलवाया ही था। फिर उसके बाद अब क्योंकि हमारा काउ शेड जो है ना थोड़ा नीचे है लेवल में, तो ये हमको खुदाई करके रिटेनिंग वॉल बनानी पड़ी ताकि पानी जो है आराम से निकल जाए, भाई हमें ड्रेनेज का बहुत देखना पड़ता है। मेन अस्पताल में जो हमारा काम हुआ है वो हमने कुछ चीज़ें जो हैं बदल दी हैं, ये हमने एक नया ओटी रूम बनाया और जो हमारे सर्जरी वाले कैनल्स हैं उससे इसको जोड़ दिया, तो ये प्लान में फेरबदल किया है और इसकी अब प्लेक्सी ग्लास की एक छत बन जाएगी ताकि हम इसको सर्दियों में गर्म रख पाएँ। मेरी ना कीचड़ में चप्पल फंस गई, नहीं तो मैं आपको और चीज़ें दिखाता। ये जो मेन एंट्रेंस है इस पर अब रैंप की तैयारी है, जो इस हफ्ते
बन जाएगा। उसके अलावा जो एक मेजर चीज़ हमने करी है भाई, जिस जिस कमरे में फॉल सीलिंग की आवश्यकता थी वहाँ पे करा लिया। पैथवेज वगैरह का तो हमने ओपन रखने के लिए यहाँ फॉल सीलिंग करी नहीं, पर जो क्लिनिक है, ओटी है, प्रेप रूम है, स्टोरेज रूम है, वहाँ हमें फॉल सीलिंग चाहिए थी। ओटी में अगेन थोड़ा एक एंट्रेंस गलत थी तो उसको हमने फिक्स किया है। और जो कैनल्स है उसका प्लेक्सीग्लास स्ट्रक्चर आपको बता ही दिया था, कंप्लीट हो चुका है। बस अब यहाँ पे दरवाज़ा लगना बाकी है, एक आध दो एक्सटर्नल डोर, और इस हफ्ते आई होप कांच भी लग जाएगा। एंड मतलब राम जी ने चाहा तो जून एंड में हम शुरू कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है, मैं दरवाज़ा बंद करके घर जाता हूँ और आपसे मिलेंगे संडे को। बाय।